इवेंट की शुरुआत होती है हमारे यहाँ एयरपोर्ट से, जहाँ हमारा हीरो रिसर्च ग्रुप के लोगों से मिलता है, जहाँ पर लोग जॉन्ग ली से मिलते हैं और उनमें से एक लड़का जॉन्ग ली के अपीयरेंस की तारीफ भी करता है। जब सारे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो जो टूर गाइड होता है वो बोलता है कि हमें चलना चाहिए और मैं रास्ते में ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तभी एक आदमी जॉन्ग ली के साथ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। जॉन्ग ली बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट तो है ही, साथ साथ वो आर्कियोलॉजी का भी उसने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब वो छोटा था तब से वो एल्विस में आना चाहता था और उसे ये एल्विस जगह जो है बहुत ही आकर्षित करती है। एल्विस शहर की जो महल की निर्माण हुई थी वो 5,000 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1,500 साल पहले ये महल जो था वो गायब हो गया और तभी से ये एल्विस शहर जो था रेगिस्तान में बदल गया। और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अंश एल्विस महल के भी होंगे। जैंग ली बहुत ही खुश था कि उसका जो ड्रीम था यहाँ आने का वो पूरा हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब वो यहाँ आएगा तो वो यहीं रह जाएगा और उसका जो फेट है वो बदल जाएगा। रेगिस्तान में नाइट अप्रोच कर रही थी और जैंग ली जो था अपने ग्रुप के लोगों के साथ किसी तरह पिछड़ गया था। जैंग ली सोचता है कि उसे किसी को फोन करना चाहिए, तो वो अपना फोन निकालता है लेकिन उसे कहीं पे भी सिग्नल नहीं मिलता है और वो इसी कारण सिग्नल इधर उधर ढूंढता हुआ एक जगह पे पहुंचता है। साथ में वो ये भी देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो वहाँ के टॉम्ब के ऊपर से कुछ चीजें चोरी करना मांग रहे हैं, जो कि इलीगल है कि किसी की भी टॉम्ब को वहाँ पर चोरी नहीं करना चाहिए। जॉन वी को ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती और वो सोचता है कि वहां से निकलने के बाद उसे किसी भी तरह पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए। इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करता, उससे पहले ही उसे जो लोग चोरी कर रहे होते हैं उन्होंने देख लिया होता है और उसके सिर के ऊपर किसी भारी चीज से मार दिया होता है। जैनली को बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि उसके सिर के ऊपर चोट लग गई होती है और उसे हर जगह सिर्फ काला काला ही नजर आ रहा होता है। तभी वो उठने की कोशिश करता है लेकिन अपना सिर किसी चीज के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से उसे और प्रॉब्लम होने लगती है। जॉन भी लोगों को बात करते हुए सुनता है कि उसे एक छोटे से वो बॉक्स टाइप की जैसी जगह पे कैद करके रखा हुआ है जो कि सीमेंट से बनी हुई है। वो काफी कोशिश करता है अपने हाथों से दीवार को तोड़ने की, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और उसके हाथों से खून निकलने लगता है और वो फिर भी अभी तक अंदर ही रहता है। क्योंकि उसका ब्लड उस दीवार पर जाके गिरता है तो वहां पर कुछ एक चीज होती है जो कि ग्लो करने लगती है। जब वो हाथों से दीवार को तोड़ रहा होता है तब उसमें सिर्फ एक छोटा सा क्रैक ही वो बना पाता है, जिसमें से उसे फाइनली एक लाइट दिखाई देती है कि अब वो बाहर देख सकता है। वो किसी तरह वो सीमेंट की बॉक्स जैसी चीज में से अपने आप को बाहर निकालता है और वहां वो पहुंच के देखता है कि वहां पर एक स्टैचू जैसी चीज है जो कि उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई है। उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये देख के कि आखिर वो क्या चीज है, तो वो उसके पास जाके उसे क्लोजर लुक से देखना चाहता है। जॉन ली उस स्टैचू को बड़े पास से देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने इसे कहीं पहले भी देखा है। तभी जॉन ली अपने होश में आता है और जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जिस हाथ से जॉन ली ने स्टैचू को छुआ था उस हाथ में ब्लड था और जब वो स्टैचू पे भी वो ब्लड लगता है तो वो स्टैचू जो है धीरे धीरे क्रैक होने लगता है और जो स्टैचू होता है वो अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि अब वो जो बाइंडिंग था स्टैचू का वो टूट चुका होता है। जॉन ली फिर से एक बार वापस निकलने का बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसका लक इतना भी अच्छा नहीं होता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश में होता है तभी वो वापस उन रेडर्स से उसका सामना होता है और वो लोग सोचते हैं कि ये लड़का कैसे निकल चुका है, तो वो इस बार फाइनली डिसाइड करते हैं कि कैसे भी इस आदमी से उनको छुटकारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जैंग ली को सरवाइव करना है तो वो फाइट बैक चालू कर देता है और हालांकि वो माउंटेन में बड़ा हुआ है तो उसके लिए फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अटैकर्स के ऊपर अटैक करने के बाद वो भागने की फिर से सोचता है लेकिन बहुत सारे लोग आके उसे घेर लेते हैं। जैंग ली को लगने लगता है कि अब वो शायद यहाँ से निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो इतने लोगों का सामना नहीं कर सकता है। तभी वहां पर स्टैचू आता है जिसके हाथ में तलवार होती है और वो सभी लोगों को डिफीट करने की तैयारी में होता है। इस स्टैचू की आंखें बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती है और वो सभी लोगों को डिफीट कर देता है। देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको कभी नहीं लगा था कि कोई स्टैचू ऐसा
करेगा उसके साथ। स्टैनली जब देखता है कि स्टैच्यू ऑफ उसकी तरफ देख रहा है तो उसे बहुत ही डर सा लगता है, और तभी स्टैच्यू अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। स्टैनली को लगता है कि अब तो कुछ बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होने वाला होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। स्टैच्यू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जेंगली के गाल को बहुत जेंटल तरीके से टच करता है। स्टैच्यू जो है जेंगली को बोलता है कि बहुत लंबा समय हुआ है हम एक दूसरे को नहीं मिले हैं। वो अभी भी स्टैच्यू को देख रहा होता है और सोचता है कि हम क्लियरली पहली बार मिले हैं, पर ये स्टैच्यू कैसे मतलब ऐसी बातें बोल रहा है। जेंगली अपने क्लास में बैठा हुआ होता है और अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी जेंगली अपने ख्यालों में से बाहर आता है और देखता है उसका एक क्लासमेट आया है जो उससे हेल्प मांग रहा होता है, और साथ ही ये भी बोल रहा होता है कि ये जो तुम्हारी ट्रिप थी वो बहुत हॉरेबल थी, तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए। जेंगली थोड़ा सा ऑकवर्ड तरीके से स्माइल देता है और बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे वुंड्स ठीक हो गए हैं। जब ये सब हुआ था तब जेंगली की जो मतलब कॉन्शियसनेस थी वो चली गई थी और वो बेहोश हो गया था, और जब वो पाया गया था तो उसे आर्कियोलॉजी के ग्रुप वापस लेके आए थे। जब एक हफ्ते के बाद उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि जो टॉम रेडर थे वो पकड़े गए हैं और उसे लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रहा है। और जो उसे ये भी पता चलता है कि जिस एरिया में वो गया था वो एरिया अभी तक टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं हुआ था। जब जॉन ये अपने बिस्तर पे आराम कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि सबसे अजीब बात तो ये थी कि किसी ने भी एक ह्यूमन शेप के स्टेच्यू के बारे में कोई बात नहीं की थी जो कि वहां पर था। लेकिन इस ट्रिप के बाद उसे कई तरह के सपने आने लगते हैं जिसमें उसे वही स्टैच्यू ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देने लगता है। अधिकतर उसे कई बार ऐसा भी लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, और ये चीज सोच के उसे ऐसा लगता है कि शायद वो पैरानॉइड होता जा रहा है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो अपने ख्यालों में इतना सोया होता है कि उसे उसकी तरफ आती हुई कार जो स्पीड में आ रही होती है वो उसे दिखाई ही नहीं देती है। लेकिन तभी आखिरी मोमेंट पे कोई आता है और उसे धक्का दे देता है रोड के साइड में, जिसकी वजह से वो उस एक्सीडेंट को होने से मतलब वो बच जाता है। जॉन भी जब पीछे मुड़ता है आदमी को धन्यवाद देने के लिए तो उसे दिखाई देता है कि ये तो वही स्टैच्यू है जिसे वो उस जंगल में मिला था, और वो वाकई में यहाँ पर कैसे पहुंच गया है। दोनों एक दूसरे को बहुत शौक के तरीके से देखते हैं। जैनली को याद आता है कि एल्बिस रुइन ने उसे कोई हार्म नहीं किया था, लेकिन वो यहाँ सडनली उसे सेव करने के लिए क्यों आया है। उसे ये सारी चीजें बहुत ही स्ट्रेंज लग रही होती है और दोनों ही बातें जो है अपनी आंखों के द्वारा ही कर रहे होते हैं। स्टैच्यू जो है वो जैंगली से कुछ बोलना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पास वॉइस नहीं है अभी तक। जैंगली की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाती है, वो जानना चाहता है ट्रोथिस के बारे में कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन उसकी सारी जो क्यूरियोसिटी है वो सब वेन में ही चली जाती है क्योंकि वो स्टैच्यू जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। स्टैच्यू जो है वो बहुत कोशिश करता है बोलने की, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कुछ बोल ही नहीं पाता। सडनली वहां पर जेंगलिंग का दोस्त आता है और सोचता है कि ये आदमी क्यों वहां पर बैठा हुआ है। जो स्टैच्यू होता है वो तब तक में गायब हो जाता है, और जेंगलिंग सोचने लगता है कि ये सब फिर से उसे इल्यूजन्स हो रहे हैं कि उसने स्टैच्यू को देखा है करके। जेंगलिंग अपने दोस्त की सहायता से उठता है और इधर उधर फिर भी देखने लगता है। जब चैंग को कोई नहीं दिखता है तो उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो जिस इंसान को देखना चाहता है वो उसे दिख ही नहीं रहा है। जब जैंगलिंग अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक पर्टिकुलर गिफ्ट अपने डोर स्टेप पे दिखाई देता है। उस गिफ्ट में एक फ्रॉग होता है, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर होता है। वो अपना सिर पीछे की तरफ घुमाता है और उसे वहां पर दो कान दिखाई देते हैं जो कि बुशेस में से निकल के दिख रहे होते हैं, और वो तभी समझ जाता है कि ये आदमी जो है वो स्टैच्यू ही है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उसे देखा नहीं है और वो अपने घर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बारिश चालू हो जाती है और जो स्टैच्यू होता है वो बुशेस में जहाँ पर उसने फ्रूट्स रखे होते हैं वहां पर झुक के बैठा होता है। क्योंकि वहां पर बारिश पड़ रही होती है और ठंडा भी हो रहा होता है तो जो स्टैच्यू है वो वहां पर फ्रीज हो जाता है, और तभी डोर जो है वो अचानक खुलता है। जैसे ही डोर ओपन होता है जेंगलिंग उसका एडवांटेज उठाता है और स्टैच्यू को अंदर खींच लेता है और उसे दीवार से चिपका के अपनी दोनों बाहों के बीच में कैद कर लेता है और उससे पूछने लगता है। जेंगलिंग बिना टाइम को वेस्ट किए उससे पूछना चालू करता है कि वो कौन है और वो यहाँ क्यों आया है,
लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो जैंग ने जो फ्रॉग स्टैचू ने उसके दरवाजे के सामने रखा था उसी को उठाता है और उसके सामने लेके जाता है और उसे डराने लगता है। मेंढक से डराने के बाद भी स्टैचू कुछ बोल नहीं पाता है। तभी जैंग को लगता है कि वाकई में स्टैचू जो है वो बोल नहीं पा रहा है। जैंग इस स्टैचू को बाथरूम में ले जाता है और उसके बालों को अच्छे से ड्राई करता है। जैंग को लगता है कि इसके स्टैचू के बाल और स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट है। लेकिन उसे एक दूसरी समस्या दिखाई देती है जब वो स्टैचू का मुंह ओपन करता है और ब्रश करता है तो दिखाई देता है कि अंदर का जो वोकल कॉर्ड है जो टंग है वो भी जम सा गया है जिसकी वजह से ये स्टैचू जो है बोल नहीं पा रहा है। जेंगली को लगता है कि उसके कुछ टिश्यूज जो हैं इनर वो सॉफ्ट हैं लेकिन बाहर से ये कड़क है। जेंगली को अभी भी कुछ आइडिया नहीं होता है कि ये कौन है क्यों है लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा होता है कि स्टैचू का जो बिहेवियर है वो एक फ्रेंडलीनेस वाला बिहेवियर है। जेंगली फिर से एक बार स्टैचू को देखता है और उसे अपने कमरे में रहने के लिए अलाउ करता है। लेकिन किसे पता था कि उसने एक रात नहीं वो फिर 2 रात फिर 3 रात फिर वो एक हफ्ता में और फिर उसके धीरे धीरे वो एक मंथ में बदल जाता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो जो स्टैचू है वो इतना बुरा भी नहीं है और वो दोनों एक साथ अच्छे से समय बिता रहे होते हैं और जेंगली को भी उसके साथ रहने में काफी सेफ फीलिंग आता है। जैन भी सोचता है कि उसे कुछ रिकॉर्ड्स पढ़ने चाहिए जो एंशंट इजिप्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं और वहां पर उसे दिखाई देता है कि कैसे एल्बिस की डेथ हुई थी और उसका कैसा प्रभाव उनके यहाँ के लोगों पे पड़ा था करके। तो जैन भी जैसे ही पेज को पलटता है किताब में से उसे वहां पर एक फूल की पत्ती दिखाई देती है जो पर्पल कलर की होती है। तभी जैंगिंग को याद आता है कि हमारे स्टैच्यू ने जो 2 मंथस के साथ रह रहा है उसने भी एक पौधा लगाया है जिसका फ्लावर पर्पल कलर का है और उसे इस बात के लिए इसे प्रेज करना चाहिए इसकी तारीफ करनी चाहिए। जैंगली अपनी डेस्क पे से उठता है और जाके स्टैच्यू के पास जाके उसके कंधे पे टैप करता है और उसे बोलता है कि सब ठीक हो जाए और तभी फ्लावर जो है वो भी ब्लूम करने लगता है जो आसानी से दिख रहा होता है। लेकिन इसे देख के जो हमारा स्टैचू है वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। जेंगलिन सोचता है कि अब जो एटमॉस्फेयर है घर का वो थोड़ा सा सैड सा हो गया है तो वो सजेस्ट करता है इस स्टोन स्पिरिट को कि चलो हम जाके बाहर मैदान में थोड़ी देर वॉक करते हैं तो इससे शायद हमें अच्छा लगेगा। और ये जो मैदान है वो यूनिवर्सिटी के पीछे होता है जहाँ पर एक सायरन बजता है और वो नोटिस करता है कि जो स्टैचू है वो उससे काफी दूर चल रहा है। तो वो घूम के पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। तभी वो देखता है कि स्टैचू की जो एक आंख है वो बहुत ही ज्यादा रेड कलर में बदल गई है। जैन ये सोचता है कि उसे स्टैचू की मदद करना चाहिए लेकिन स्टैचू उसके पास आता है और उसे गले में लगाता है और एक धक्का देता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी स्टैचू जो है वो जैंग ली की गर्दन पे काट लेता है और उसमें से उसके खून आने लगता है। जैंग ली स्टैचू को पीछे की तरफ धक्का देता है। तभी स्टैचू को होश आता है और वो देखता है कि उसने ये क्या कर दिया है। तो स्टैचू देखता है कि उसने जैंग ली को हार्म पहुंचाया है तो वो फटाफट वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन जैंग ली किसी तरह उसकी शर्ट का एक कोना पकड़ के उसे रोक लेता है। जैंग ली को बेहोश होता देख के जो स्टैचू है वो बहुत घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम अपनी आंखें मंद बंद करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये सब हो जाने के बाद जोंगली को बहुत ही ज्यादा फीवर आता है और वो एक हफ्ते के लिए बेड रिडन हो जाता है। इसी दौरान कई बार जेंगली अपनी आंखें भी खोलता है लेकिन वो वापस उसे बंद भी कर लेता है। लेकिन जितनी बार वो अपनी आंखें खोलता है वो स्टैचू को अपने पास ही पाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ये सपना देख रहा है। जोंगली को ऐसा लगता है कि एक दिन ये जो स्टैचू है वो उसे छोड़ के चला जाएगा। एक दिन सवेरे वो उठता है और अपने बिस्तर के पास देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता जैसे मानो स्टैचू वहां से जा चुका हो। जोंगली ये देख के बहुत ही उदास हो जाता है लेकिन वो उस स्टैचू को सर्च करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि शायद वो स्टैचू आसपास ही कहीं होगा जैसे पिछली बार भी वो वहीं था और उसे लर्क कर रहा था छुप छुप के। जोंग ली को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि स्टैचू आखिरकार उसे क्यों अवॉइड कर रहा है। तभी वो सोचता है कि कैसे स्टैचू को सामने लाया जाए और वो एक स्कीम बनाता है। वो नदी में जाता है और डूबने लगता है और काउंट करने लगता है 1 2 3। तभी स्टैचू वहां पर आ जाता है और उसे बाहर की तरफ खींचने लगता है और दोनों पानी के ऊपर आ जाते हैं। इस बार भी
स्टैच्यू भागने की फिराक में होता है, लेकिन वो इससे पहले भाग सके उससे पहले ही जेंगली उसे पकड़ लेता है और भागने नहीं देता है। जेंगली स्टैचू का हाथ पकड़ता है और उसे एक शांत भरी जगह पे ले जाता है, क्योंकि वो वाकई में जानना चाहता है कि ये स्टैचू के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो बार बार उसको अवॉइड क्यों कर रहा है और बार बार वो भाग क्यों जाना चाहता है। स्टैचू अपना हाथ सडनली जेंगली के हाथ से छुड़ा लेता है। तभी जेंगली को स्टैचू के हाथ में क्रैक्स दिखाई देते हैं और वो बहुत घबरा जाता है। तो वो जो स्टैचू है उसे फटाक से पकड़ता है और उसकी शर्ट को ऊपर करता है, तो दिखाई देता है कि एक रेड कलर का स्टोन जो है उसके हार्ट में होता है और वो भी क्रैक होके दिखाई दे रहा होता है। जेंगली परेशान होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन एक के बाद एक पूछने लगता है कि कब हुआ, ये कैसे हुआ और किसने किया, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन स्टैचू एक का भी जवाब नहीं देता है। तभी उसे लगने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कहता है कि जेंगली जो है वो बहुत परेशान हो रहा है, तो वो उसे चेयर अप करने के लिए एनिमेटेड फेस बनाने लगता है और तरह तरह की चीजें करने लगता है कि जेंगली जो है थोड़ा खुश हो जाए करके। लेकिन जोंगली इस बार बहुत ही सीरियस होता है और उसे समझ में भी आता है कि स्टैचू ने जो ये सब किया वो इसलिए किया क्योंकि वो मरने वाला है और वो नहीं चाहता है कि जोंगली जो है उसकी डेथ को खुद देखे और वो बाद में दुखी हो जाए। तो जोंगली सोचता है कि कैसे इस स्टैचू को ठीक किया जाए और वो बोलता है कि तुम मुझे वापस मेरे नेक में काट लो, तो शायद तुम मेरे ब्लड से काटने के बाद तुम्हारा जो क्रैक्स है वो भरने लगेगा। स्टैचू जो है वो तैयार हो जाता है ये सोच के कि ठीक है वो ऐसा करेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में वो सारी इमेजेस आने लगती है कि जब उसने पहली बार उसे काटा था तो जेंगली कितना घबराया हुआ था और कितना डर गया था। स्टैचू जो है वो फेक स्माइल देता है और उसको इंडिकेट करता है जेंगली को कि कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है करके। जेंगली को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये स्टैचू क्यों बार बार रेफ्यूज कर रहा है। तभी स्टैचू सोचता है कि कैसे मूड को हल्का किया जाए और उसे याद आता है कि कैसे उसने वो फ्लावर जो पर्पल कलर का फ्लावर था उससे कैसे उसने कान के और गहने एक्सेसरीज बनाई थी जो वो जंगली को देना चाहता था। जब स्टैचू जंगली के कान में वो फ्लावर से बना हुआ इयररिंग पहनाता है तो जेंगली बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इयररिंग को फेंक देता है। जेंगली इतने गुस्से में होता है कि वो स्टैचू को बोलता है कि उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं है और वो वहां से जाने की तैयारी में होता है और चला जाता है। स्टैचू बहुत ही दुखी हो जाता है और नीचे बैठ के वो जो उसकी एक्सेसरीज उसने फेंकी थी उसे उठा के अपने हाथों में छुपाने लगता है। दूसरी तरफ अभी भी जेंगली तेजी से जा रहा होता है गुस्से में और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, तो वो वापस मुड़ता है वहीं जाने के लिए जहां पर उसने उसको छोड़ा था। वो वहां उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि स्टैचू चेयर पे बैठा हुआ है और वो हेजिटेट होता है कुछ भी कहने के लिए। फिर वो उसे बताता है कि उसे बहुत चिंता हो रही थी इसलिए उसने ऐसे सारे शब्द उसको कहे थे। जेंगली ये भी कहता है कि उसे इतनी चिंता है कि वो दोनों मिलके साथ में इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और या फिर वो वापस बाइक लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। स्टैचू जब जेंगली की आवाज सुनता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो उठता है और उसकी तरफ जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो बहुत डिटोरिएट होती जाती है। उसका जो पैर वैर है सब बदलता हुआ जाता है और वो वैनिश सा होने लगता है हवा में, क्योंकि आखिरकार उस पे क्रैक्स आ रहे होते हैं। जेंगली को एहसास होने लगता है कि ये आखिरी वक्त आ गया है और वो कैसे तैसे उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे वो स्टैचू को वैनिश होने से नहीं रोक पाता और उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और उसे थोड़ा गिल्ट महसूस होता है। लेकिन फिर भी जो स्टैचू है वो जाने से पहले तक, उसका एंड होने से पहले तक वो उसके ऊपर देख के मुस्कुराता रहता है और साथ ही जो नेकलेस उसने उसके लिए बनाया होता है वो उसके गले में डालता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी आंखों में धीरे धीरे देखता है। जो स्टैचू होता है वो गायब हो जाता है, लेकिन लाल रंग का एक स्टोन जो होता है वो वहां रह जाता है। और तभी जेंगली सोचता है कि वो बस उसे एक बार और देखना चाहता है और ये सोच के वो रोने लगता है और विश करता है कि बस वो उसे एक बार और देखना चाहता है। और तभी उसकी जो विश है मानो पूरी ही हो जाती है। चांगली ने कभी भी अपनी डिजायर्स को बहुत ऊंची आवाज में नहीं कहा था, लेकिन अचानक एक तेज लाइट पड़ती है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और वह सेम इंसान को देखता है
जो कि बिल्कुल स्टैचू की तरह दिखाई देता है, और वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। जब वो स्टैचू के पास जाता है तो उसे पता नहीं होता कि उसको एक बहुत तेज धक्का लगने वाला है, और उसे बहुत तेज धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। ये धक्का किसी और ने नहीं, वो जो हमारा स्टैचू होता है वो ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, उसी ने मारा होता है, और वो इस धक्के का कारण नीचे गिर चुका होता है। जो स्टैचू है वो ये सोचता है कि ये कोई असैसिन है और यहाँ पर हमारा असैसिनेट करने आया है, इसलिए वो अपने लोगों को इमीडिएटली ऑर्डर देता है कि इसे कैप्चर कर लिया जाए। क्योंकि ये स्टैचू अब पुरानी बातें सब भूल चुका है, इसलिए इसे कुछ भी याद नहीं है। ये एल्विस का कोर्ट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और वहां पर इसको लेके आया जाता है क्योंकि इसको ऊपर शक हो रहा होता है कि ये उन लोगों को असैसिनेट करने आया है। ये वाकई में एल्विस ही है, और ये एल्विस का राजा है जो कि एक बड़ी आसन पे बैठा है, और इसके बड़े बड़े काले रंग की बाल हैं जो दो चोटी के रूप में हैं, और ये दिखने में भी काफी अच्छा है। जैनली अभी भी सदमे में होता है कि पहले तो वो यहाँ कैसे पहुंच गया एल्विस में, और एल्विस में पहुंच भी गया है तो ये स्टोन जो अभी तक स्टेचू था वो यहाँ का राजा कैसे है, उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो इस चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसके सामने जो स्टेचू था वो वाकई में एक कंट्री का किंग है। अब लोग सवाल करते हैं जेंगली से कि जेंगली यहाँ कैसे पहुंचा है इस पैलेस में, लेकिन जेंगली सोच रहा होता है कि वो कैसे बताए कि वो यहाँ फ्यूचर से कैसे आ गया है, और यदि वो बताएगा कि वो फ्यूचर से यहाँ पर आया है तो ये लोग तो उसकी बात पे विश्वास करेंगे नहीं और उसे डेथ का सेंटेंस दे देंगे। जेंगली को समझ में आता है कि ये जो स्थिति बन रही है कुछ खास नहीं है, और साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि उसके मन में बहुत तेज इच्छा थी उस स्टैच्यू को वापस देखने की। जेंगली देखता है कि वो यहाँ का राजा है और वो सब कुछ भूल चुका है। वो जिस स्टोन और स्टैचू को जानता था जो कि बहुत ही उसके साथ अच्छे से पेश आता था, अब वो वैसा रह नहीं गया है और उसकी याददाश्त भी नहीं है उस टाइप की, तो वो समझता है कि उसका इस तरीके से ट्रीट करना उसके लिए स्वाभाविक है क्योंकि इस वक्त जेंगली उसके लिए स्ट्रेंजर है। जेंगली अपने मन में सोचता है कि वो एक बार फिर से उसके साथ क्लोज रहना चाहता है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। वो इस बार इस आदमी को खोना नहीं चाहता जिससे वो प्यार करता है। तभी ये किंग जो है उठ के हमारे इसके पास आता है, जेंगली के पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जेंगली को याद आता है कि पहले भी इसी तरह स्टैचू ने हाथ बढ़ाया था, और उसे लगता है कि इसको अब सब याद आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो किंग ने हाथ बढ़ाया था वो एक्चुअली जेंगली के लिए नहीं था, और ये हाथ उसके साइड में खड़े हुए गार्ड के लिए था कि उसके हाथ में वो एक कटाना दे जो गोल्डन कलर का है। किंग जो है वो एक अजीब सा स्माइल देता है जैसे कि वो कुछ प्लॉट कर रहा है कि देखो कैसे इस आदमी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया है। तो इसके मन में जो है, जो हमारा किंग है, उसके मन में कुछ तो भी प्लॉटिंग चल रही होती है। किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, और दूसरे ही पल में जो वो कटाना थी वो जेंगली के हाथ में जाके लग जाती है और उसके हाथ में एक वुंड बन जाता है। अकॉर्डिंग टू किंग उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि अभी तक जेंगली को ये नहीं पता चलता कि वह कैसी स्थिति में है, और दूसरी बार वो सोचता है कि इस बार तो मैं इसकी आंख ही निकाल लेता हूँ, लेकिन वो फिर भी अपना चाकू फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। किंग जो है वो जाने लगता है और सबसे बोलता है कि जो प्रिजनर है हमारा जेंगली, उसके उससे उगलवाने की कोशिश करें कि वो यहाँ पर क्यों है। जेंगली को अब वाकई में एहसास होने लगता है कि जिस स्टैचू को वो जानता था ये वैसा नहीं है। जेंगली को अभी भी ये समझ में नहीं आता है कि जिस इंसान ने एक बार उसे बचाया था और उसके हर जगह पे उसके कदम पे साथ था, वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कैसे बदल जाता है। जेंगली को प्रिजन सेल में छोड़ दिया जाता है, वहां वो बेहोश हो जाता है, और जब उठता है तो उसे सारी चीजें एक के बाद एक याद आ रही होती है। जेंगली जब उठता है तो वो देखता है कि उसने साफ कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ पे जो वुंड लगा था वो भी किसी ने क्लीन कर दिया है और उसपे एक पट्टी बंधी हुई है। जेंगली बाहर की तरफ देखता है और उसे गार्ड दिखाई देता है, और वो ये समझ नहीं पाता कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। जेंगली को लगता है कि अब उसे क्या करें क्योंकि ये सब जो है उसे मर्डरर समझते हैं और उसे कैद भी करके रखा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जो उसको एक बार देखने की विश करेगा उसमें उसका ये हाल हो जाएगा। जेंगली सोचता है कि अब उसे स्टोन को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जेंगली बैठे बैठे सोचता है कि शायद उसे यहाँ कभी आना नहीं चाहिए था और ना ही उसे ऐसी कोई विश करनी चाहिए थी।
जब भी वो पुरानी बातें सोचता है उसे बहुत ही दुख होता है, लेकिन अब उसका पहला गोल यही है कि उसे यहाँ पर सर्वाइव करना है, चाहे वो फ्यूचर में लौटे चाहे वो यहाँ पर रहे। लेकिन उसकी मेन जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त सर्वाइवल की है, और उसे ये सर्वाइवल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गैंग ये सोचता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए किसी तरह, और वो दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है वहां पर एक लाल रंग के बाल वाला आदमी पहले ही आ जाता है। लाल बालों वाला जो आदमी है वो जंगली के पास आता ही जाता है, आता ही जाता है, और इतना पास आ जाता है कि जंगली के पास कोई जगह नहीं होती वहां से भागने की, उल्टा वो टेबल से टकरा जाता है। जो जैंगली है उसको ये रेड हेयर वाला जो आदमी है वो अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होता है। उसे लगता है जो इसको प्रिजन में रखा गया है वो उसकी सेवा के लिए प्रिजन में रखा गया है। लाल बालों वाला आदमी जैंगली को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखता है और सोचता है कि ये एस्केप करना चाहता है, और जैंगली सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा फूल जैसा बिहेव करना चाहिए, और वो उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगता है। जैंगली बोलता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और अब उसे कुछ याद नहीं है। तो जो लाल हेयर वाला आदमी होता है वो उसे बड़ी फटी फटी आंखों से देखने लगता है और वो बहुत शॉक हो जाता है, एज इफ वो उसकी बातों पे बिलीव कर रहा हो। लेकिन ये जो लाल हेयर वाला आदमी है वो बेवकूफ बनने वाला तो था नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना जो जैंगली कर रहा है उसी में वो पार्टिसिपेट करे और वो भी इसके मजे ले ले। आखिरकार में दोनों को महसूस होता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत बेवकूफी जैसा कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। तभी लाल बालों वाला आदमी अपने पॉकेट में से एक पेंडेंट निकालता है जो वो जैंगली का ही पेंडेंट होता है, और जैंगली उस पेंडेंट को देखता है। जैंगली जो है वो इस पेंडेंट को चाहता तो है, लेकिन यदि वो आगे बढ़ के लेगा तो अभी तक जो वो नाटक कर रहा था वो सारा का सारा नाटक आगे समझ में आ जाएगा कि वो ये नाटक कर रहा है। तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है कि वो कैसे इस पेंडेंट को वापस ले। लाल बाल वाले आदमी को लगता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ, इसकी जांच करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो जो पेंडेंट है उसे खिड़की से फेंक देता है और उसे बोलता है जैंगली को कि यदि तुम्हारी याददाश्त या तुम्हें कुछ भी वापस याद आए तो तुम मुझे जरूर बताना, और ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। जैंगली थोड़ा सा वेट करता है उसके दूर जाने का, और उसके बाद वो डोर से नीचे की तरफ देखता है और अपना हाथ बढ़ाता है वो पेंडेंट लेने के लिए। जैसे ही वो पेंडेंट लेने के लिए होता है उतने में आके उसके पैर के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर कोई बहुत तेज पैर रख देता है, और वो देखता है कि ये वही लाल कपड़ों वाला आदमी है, लाल बालों वाला, जिसने उसके ऊपर पैर रख दिया है। चाहे अब जैंगली कितना भी चिल्ला ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये लाल बालों वाला आदमी उसे छोड़ने नहीं वाला है। वो उसे उल्टा आके और एक थ्रेट देता है कि वो सच्चाई बताए, और तभी वहां पर किंग जो है वो चुपके से ये सब देख रहा होता है। और जब उसका देखना हो जाता है तो वो पलट के बाहर की तरफ जाने लगता है, और रेड हेड भी इसको छोड़ के जाने लगता है। अब बेचारा जैंगलिंग बैठे बैठे सोचता है कि अब क्या करे, वो सिर्फ बैठ के इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। रेड हेड जो है वो वहां पर किंग को बैठा हुआ देखता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों बैठा हुआ है। रेड हेड वाले आदमी कुकिंग में जाने के लिए कहा होता है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं होता और कन्वर्सेशन चालू करता है, वो भी उस प्रिजनर के बारे में जिसे गए वो अभी अभी बात करके आया होता है। तभी किंग जो है वो हाथ में कुछ लेके बैठा होता है और पीने ही वाला होता है। वो बोलता है हो सकता है ये स्पाई हो और हमें इसके ऊपर बहुत नजर रखने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर घुस आया है। रेड हेड मैन जो है वो किंग को बोलता है कि हम इतना क्यों इस आदमी पे ध्यान दे रहे हैं, इसकी अपेक्षा हम इसे डायरेक्टली मार क्यों नहीं देते हैं। किंग बोलता है कि ये जो आदमी है वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहा है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और वहीं पे रेड हेड मैन को याद आता है कि कैसे उसने उसको पहली बार किस करने की कोशिश की थी। किंग फिर से रिमाइंड कराता है कि उस प्रिजनर की देखभाल ठीक से करें और उसपे आके रखे, और रेड हेड भी इसी कारण तैयार हो जाता है। तभी एक गार्ड उनकी तरफ आता है और बोलता है कि प्रिजनर ने जो है वो अपनी जान लेने की कोशिश की है। तो सभी की सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं, देखते हैं जैंगली वहां पर ठीक ठाक है। ये रेड हेड वाला आदमी वहां जाता है और देखता है और बहुत अच्छे से स्माइल करता है, और फिर देखता है कि वहां वाकई में कुछ आग सी लगी हुई है जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से हुई है। तो क्या वाकई में ये आदमी वहां सुसाइड करना चाहता है? ऐसा सोच के ये देख रहा होता है कि उसने किसी एक आदमी को भी पकड़ रखा है और थ्रेट कर रहा होता है, और देखता है कि उस आदमी के भी हाथ जो है पीछे बंधे हुए हैं। और तब वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ गॉड ने मुझे भेजा है और मुझे मेरा पेंडेंट वापस चाहिए। रेड हेड मैन को गुस्सा आता है और वो जैंगली के साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती करता है। जैंगली को अपना पेंडेंट वापस चाहिए होता है, वो देखता है कि उसके हाथ में वो पेंडेंट वापस आ गया है, और वहां पर जो गार्ड था उसे भी वो छोड़ देता है। सब लोग मिलकर खुश हो जाते हैं, और तभी सारे गार्ड बोलते हैं कि हमें भी इस प्लान में शामिल होना चाहिए था,
और तभी रेड हेड मैन जो है अपना हाथ बढ़ाता है और जैंगली को बोलता है हम डील करते हैं, और उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो ज्यादा देर ऐसे रह सके, तो वो बोलता है कि जल्दी से अपना फैसला लो। दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं और ये एक डील रखता है कि मुझे फ्रीडम दी जाए और मैं अपने आप जैसे काम करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, और उसके मुंह पे पट्टी बांधी जाती है और उसे काम पे भेज दिया जाता है। वो एक नक्शा उठाता है और नक्शे को पढ़ने लगता है कि उस नक्शे में क्या लिखा हुआ। जेंगली एक मैप पढ़ रहा होता है, उसे मैप पढ़ता हुआ देख के रेड हेड वाला जो मैन होता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इसे कैसे पढ़ना आता है। तभी एक मेड आती है और बोलती है कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो इसको यहाँ पर प्रिजनर को पढ़ाई करते हुए देख के थोड़ा चौंक भी जाती है। जो जेंगली है वो कुछ भी बताने से और बोलने से कुछ उसको फायदा नहीं है, तो वो चुपचाप बैठा रहता है। तभी वो सुनता है कि पोटैटो स्टोरेज में एक केस आया है जिसका इन्वेस्टिगेशन करना है। जेंग भी बोलता है कि उसे भी इस केस में पार्टिसिपेट करना है। वो सोचता है कि इस केस में यदि वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसे फ्रीडम मिलेगी, लेकिन उसे ये भी पता है कि लोग उसे देख रहे हैं, और यही सोचते हुए वो आगे जाता है। उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने में नहीं है। साथ ही वो ये भी याद करता है कि कैसे उसने अपनी डेथ को फेक किया है जिससे उसे फ्रीडम मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तभी जैंग ये देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो आदमी नीचे गिर जाता है। जैंग भी पत्थर उठा के उसके सिर पे दे देता है और उसके सारे कपड़े जो है वो पहन के अपना वेश बदल के आगे निकल पड़ता है। वो देखता है कि बहुत सारे गार्ड्स हैं और उसको उन गार्ड्स को क्रॉस करना है। तभी वो तो उसको याद आता है कि उसने अपना जो भेस बदल दिया वो गार्ड के कपड़ों में, और ऐसा सोचते हुए वो पोटैटो स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ता है और वहां पर चेकिंग चालू कर देता है। जब वो ये पोटैटो स्टोरेज में आता है तो यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो गोल्डन लैंप लिए हुए खड़ा होता है, और इस लाइट का फायदा उठा के जो जैंगली है वो भेस बदल के कुछ रोशनी में देखने। जैंगली हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और वो लाइट को भी अपने हाथ में लेता है और सोचता है कि अब तो लाइट मिल गई है, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि ये लाइट का सोर्स कहाँ से आया है, ये लाइट कहाँ से आई है। तभी वो देखता है कि खुद किंग जो है वो यहाँ पर लाइट लेके आए हैं और उनके हाथ में एक स्क्रॉल भी है। ये देख के वो थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा पीछे होने की कोशिश करता है, और यही देख के जो किंग है उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ये कैसा सर्वेंट है जो हमारे से डर गया है। तभी जेंगली को लगता है कि हो सकता है शायद उसकी जो आइडेंटिटी है वो पकड़ी गई है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से जाना चाहता था और ये केस सॉल्व करना चाहता था। तभी जो किंग है वो उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। वो किंग को पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो किंग बताता है मुझे एक स्पेसिफिक रोल चाहिए था, और वो दोनों एक दूसरे से अपना नाम शेयर करते हैं। लेकिन तभी किंग बोलता है कि एक काम करो मुझे तुम ये पढ़ना सिखाओ करके। जेंगली को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि यहाँ की भाषा और स्क्रोल पे लिखे हुए शब्द उसको समझ में नहीं आते, लेकिन वो फिर भी किंग की सारी बातें सुनता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और सोचता है कि उसका जो चेहरा है वो कितना फैसिनेटिंग है करके, और फिर भी वो चुपचाप किंग को साइलेंटली देखता रहता है। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका नेक्स्ट चैप्टर तभी आएगा जब इस पे मुझे 1,000 लाइक्स आएंगे और इसको 1,000 बार देखा जाएगा, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि ये पार्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।